से देखिए लिलमई मैदान में ये काफ़ी अब पहले घर नहीं था, लेकिन अब नया नया घर यहाँ पर का घर यहाँ पर जब बन चुका है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। अब ये नया नया घर यहाँ पर बन चुका है। रॉकी रिसलर में स्वागत है। ये सब नया नया मकान लिलमई मैदान में यहाँ पर बन चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर नाली बनने की तैयारी हो रही है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर रोड भी बनने वाला क्या है? रोड भी बनेगा क्या? हाँ, यहाँ पर रोड भी बनने वाला है। ये काफ़ी खूबसूरत होगा कि आप लिलमई मैदान में यहाँ पर काम जिंदा बनते ये सब पूरा लानी बनने वाला है। इसलिए मैं दिखला रहा हूँ कि यहाँ पर से काम जो है स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा आपको देखने के लिए मिला लिलमई मैदान में। अब पहले कुछ नहीं था, पहले छोटा छोटा घर था, लेकिन अब जो है बेहतरीन घर यहाँ पर बन चुके हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। काफ़ी खूबसूरत आपको गाछ वृक्ष लगा है। ये कौन चीज है? ये आम का गाछ है। काफ़ी खूबसूरत है आम का गाछ है। ये पोखर है, देखिए पोखर। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हमको देखने के लिए मिला, क्योंकि हमारे चंपा नगर में भी बहुत अच्छा अच्छा चीज़ है जो कि लोगों को दिख नहीं पड़ रहा। और हमने सोचा कि आप लोग को दिखलाएं कि हमारे चंपा नगर की क्या खासियत है। वीडियो में आप देखिए काफ़ी खूबसूरत हमको नज़ारा लगा। ये देखिए, ये सब बाग है, बागान है। चलिए और जगह चलते हैं। वहाँ पर से देख रहे लिलमई मैदान में एक जगह और दिखा रहे हैं कि रोपा तोपा यहाँ पर होता है। हाँ, काफ़ी ये खूबसूरत नज़ारा है। ये देख लीजिए, ये सब घास वृक्ष यहाँ पर उग गया है। काफ़ी खूबसूरत है लिलमई मैदान में। ये पेड़ गाछ है, ये कौन सी गाछ है? ये मेहंदी का, मेहंदी का गाछ है ना। आप लोग तो यहाँ पर रहते हैं। काफ़ी खूबसूरत हमको नज़ारा लगा। ये सब घास भी है, वृक्ष है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। चलिए दूसरे घर है ना, ये सब सारा। ये भी काफ़ी खूबसूरत पोखर है यहाँ पर। यही पोखर से तो उधर डिज़ाइन आपको दिखाए थे। काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। देखिए, ये आम का गाछ है। ये कौन सा गाछ निकल लगता आम का, है आम का। है ना, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हमको देखने के लिए मिला यहाँ पर। देखिए, यहाँ ज़मीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जो है ना, पहले घर नहीं था, लेकिन अब जो है ना घर बनना चालू हो गया सरकार, या रोड भी बनेगा, है ना। काफ़ी खूबसूरत है यहाँ। देखिए, खूबसूरत नदी, काफ़ी अच्छा लग रहा हमको ये सब वीडियो। अभी आप चलिएगा, पूरा आइएगा चंपा नगर, तो हम पूरा दिखला रहे हैं कि आपका ये दिखला रहे लिलमई का पूरा वीडियो कि आप देखिएगा तो यहाँ का नज़ारा, यहाँ खूबसूरत नज़ारा। यहाँ देखिए, नौ है, ये खेत है, खेत खलियान है। और यहाँ पर का वीडियो सॉलिड बनना है, काफ़ी अच्छा यहाँ का वीडियो बनता है। देखिए यहाँ पर से ये सब है ना, यहाँ पर से जाता है ना ये पानी उनी के लिए। यहाँ मछली उछली भी है, काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पर ये नदी में, है ना। नदी पड़ता नहीं है अब, पहले मकान नहीं था, लेकिन अब बड़ा बड़ा यहाँ पर मकान, ज़मीन भी लोग खरीद रहे हैं सस्ते दामों में, यहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं। यही ना लिलमई मैदान के बगल में। जी जी, ठीक है। ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हमको देखने के लिए मिला। चलिए अब भैया, मकान के बारे में बताइए कुछ खासियत। आप जो बना रहे घर, आप किस तरह का घर बनाते हैं? क्या बताएं, बताइए ना भैया कुछ यहाँ के बारे में खासियत बताइए। इतना अच्छा नज़ारा हमको देखने के लिए मिल रहा है, यूट्यूब पर देखिएगा तो कुछ तो बस। हाँ, ये क्या है कि मैदान एरिया है। हाँ, गर्मी में अच्छी लगती है देखने। हाँ, और ठंडी मौसम में थोड़ा ठंडी लगती है। हाँ, गर्मी में अच्छा है। एक बार सब्सक्राइब पर आइए, इतना मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो। यहाँ पर खेत हो रहा है, रोपा हो रहा है। काफ़ी खूबसूरत ये सब नज़ारा आपको देखने के लिए मिला। काफ़ी खूबसूरत हमको नज़ारा आ रहा है। यहाँ पर घास लगेगा, गेहूँ वगैरह का घास लगेगा ना भैया, लिलमई मैदान में, है ना। हैं, कौन सी घास लगेगा? ये गेहूँ का, मकई का यहाँ पर लग सकता है ना, ऐसा सोर्स है। भी उत्पादन हो रहा है, काफ़ी खूबसूरत ये वीडियो बन रहा है। यहाँ पर से भी रोड बनेगा ना, हो सकता है। यहाँ देखिए ये कौन सी जगह है? ये सब पटना उटना जाने का, मतलब ट्रेन इधर इधर से जाती है ना।
ये सिंबल है, चलिए आपको दिखाते हैं। आम का गाछ काफी खूबसूरत नजर आ रहा है, रोपा भी हो रहा है, काफी खूबसूरत नजारा। यहाँ पर भी गाछ वृक्ष है, इस जगह को भी देखेंगे। मोटरसाइकिल लगा हुआ है काफी। ये बोरिंग का पानी से स्रोत, ये पानी जो दिख रहे हैं ये पटा रहा है ना, ये पानी बोरिंग का। यहाँ देखिए पटाते हुए आपको खास ये वीडियो बन रहा है। नदी सब है ना, ये नदी है, यहाँ देखिए ये सब भी नदी है। काफी खूबसूरत है ये नज़ारा, ये सूरज का देख रहे नज़ारा आप। हमको भी काफी अच्छा लगा ये सब नज़ारा देख करके। से अब ये लिलमई का प्रॉपर्टी पड़ता है ना, लिलमई का इतना बड़ा लिम्बई है। लिलमई का सिर्फ तस्वीर आपको दिखाएं, ये कितना बड़ा ये है इसका मैदान। ये आम का गाछ है ना, आइए यहाँ पर ये सब बैकग्राउंड से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा इसका है, है ना। ये सब देखिए काफी खूबसूरत हमको लग रहा है। ये भी पुल बना है ना, ये भी जाता है इधर से ट्रेन से। ये काफी खूबसूरत है, यहाँ भी मैदान है, सोर्स है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर घर वगैरह भी, यहाँ छोटा गरीबी हालात है यहाँ पर के लोगों को। देखिए काफी खूबसूरत हमको ये दिख रहा है। शाम के वक्त यहाँ पर आते हैं, टहलते हैं लोग, है ना। फूल का गाछ है यहाँ देखिए, ये सब भी है, है ना। ये सब सर्कल देख लीजिए, काफी एक खूबसूरत ये सब नज़ारा आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आइए जस्ट फॉर यू, नीम का गाछ है काफी खूबसूरत इधर पट्टी। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर मछुआरे लोग मछली मारने के लिए जाल लगा चुके हैं। काफी खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बैकग्राउंड से देखिए कितना डेंजर ये सीन आपको मिलेगा, ये खतरनाक सीन है। काफी खूबसूरत नज़ारा है, पकड़ी है, खस्सी है, बकरी है, काफी खूबसूरत ये नज़ारा ये घर सबका है। ये बैकग्राउंड से है, ये मछली मारने वाला, ये खस्सी है ना, ये भी अच्छे बड़ा हो गया खस्सी यहाँ पर, अच्छे बड़ा हो गया ये सब खस्सी है ना, है ना सर। काफी खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिला यहाँ से। देखिए ये देखिए यहाँ से बैकग्राउंड और काफी अच्छा आ रहा है, ये मछली मार रहा है, है ना, मछली मारते हुए लोग यहाँ देखिए, अच्छा है, काफी खूबसूरत गाछ है ये सब। ये सब ताड़ गाछ है, काफी खूबसूरत ये सब ताड़। खिला करके 10 बॉल अभी दिखाएं। ये देखिए काफी छक्का किया वो, काफी छक्का मारता है ये, काफी छक्का शॉट, एक के बॉल का शॉट था। चलिए चलिए चलिए, आइए लिलमई मैदान में एक शॉट आप दिखना है कि डेंजर शॉट, काफी अच्छा ये खेलता है ये खिलाड़ी। क्या नाम है आपका? वो भाग गया मामा आज। ये स्टैंड काफी अच्छा है, काफी खूबसूरत स्टैंड आपको देखने के लिए मिला। आते जाते नहीं, आते जाते लोग हैं, शाम के वक्त, शाम के वक्त बहुत लोग आ रहे हैं। देखिए काफी अच्छा खूबसूरत खूबसूरत वीडियो है ये। ये देखिए यहाँ पर कभी काफी, यहाँ पर भी मकान तैयारी हो चुका है। काफी खूबसूरत वीडियो नज़ारा आपको देखने के लिए मिला। यहाँ पर से भी लोग आ रहे हैं, आप पता हम भी खा रहे हैं। काफी अच्छा है यहाँ का नज़ारा, काफी खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिला। यहाँ पर शाम के वक्त मैं आते जाते